हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलांजनास क्रिएटिव वर्ल्ड। आज मैं हजमोला की खाली बोतल से किचन के लिए DIY करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बोतल का जो लीड है उसमें मैं होममेड जेसो लगाऊंगी। जेसो लग जाने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये जो लेबल है इसको मैं पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके ली हूँ। इसको काट करके ली हूँ। अभी इसको थोड़ा साइड से छोटा छोटा करके स्लिट देना पड़ेगा, नहीं तो ये बोतल के ऊपर सेट नहीं होगा, ये राउंड है इसलिए। इसमें अभी मॉड पॉज ग्लू लगाऊंगी, लगा के इसके बोतल में पेस्ट करना पड़ेगा। अभी बोतल में पेस्ट करने के टाइम में ये जो साइड में स्लिट है ये एक के ऊपर एक आ जाएगा साइड में, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी ये लग गया, इसके ऊपर और एक कोट मॉड पॉज का लगाना पड़ेगा। अभी इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। लिड में जेसो लगाए थे वो सूख गया, अभी इसमें ब्लैक एक्रेलिक कलर लगाऊंगी। यहाँ पर मैं दो साइज के मोती ली हूँ, एक के ऊपर एक आ जाएगा। इसको मैं फेविक्विक से एक के साथ एक लगा लूँगी। मैं एक साथ में पांच बोतल बना रही थी, तो पांचों बोतल का लीड यहाँ पे दिख रहा है। अभी इन मोतियों में मैं जेसो लगाऊँगी। जेसो सूख जाने के बाद इसमें वाइट एक्रेलिक कलर लगाऊंगी। मैं इसको गोल्डन कलर से कलर करूंगी, पर इसके बेस के लिए कलर ठीक से आए गोल्डन कलर, इसलिए मैं वाइट का एक कोट लगा रही हूँ। ये मोती सूख जाने के बाद इसको मैं अभी लीड के ऊपर लगाऊंगी, तो फेविक्विक से इसको मैं इसके ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। मेरे पास गोल्डन कलर के डस्ट है, इसको मैं मीडियम के साथ मिक्स्ड करके फिर इसको लगाऊंगी।
गोल्डन कलर का एक कोट लगा रही हूँ। एक कोट सूख जाने के बाद फिर सेकेंड कोट लगाना पड़ेगा। अभी फर्स्ट कोट सूखने के बाद सेकेंड कोट लगा रही हूँ। अभी मैं बॉटल में जो स्टिकर लगाई थी उसको मैं गोल्डन जेल पेन से थोड़ा हाईलाइट करूँगी। उसके ऊपर जो वाइट कलर के लाइन वगैरह थे उसके ऊपर मैं थोड़ा गोल्डन कलर का हाईलाइट लगा कर रही हूँ। अभी जो ये लेवल है इसको मैं गोल्डन कलर के 3D आउटलाइनर से इसका बॉर्डरिंग करूँगी। अभी ये सूख जाएगा। सूखने के बाद इसमें वार्निश का एक कोट लगाऊंगी। अभी बार्निश का एक कोट लगा रही हूँ। अभी ये रेडी हो गया। अभी मैं इसमें किचन के मसाले रखूंगी और ये जो लेवल है इसमें मैं किसमें कौन सा चीज़ रखी हूँ वो मैं लिख के रखूंगी। सो ब्यूटीफुल DIY रेडी हो गया आपके किचन को सुंदर बनाने के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।